हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द चटपटा गॉसिप ऑफ अपकमिंग रियलिटी कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 17। सो बिग बॉस सीजन 2 ओटीटी की ग्रेट सफलता के बाद मेकर्स ने कमर कस लिया है कि भाई साहब, इस बार बिग बॉस सीजन 17 तगड़ा बनने वाला है, क्योंकि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन रिलेटिंग टू बिग बॉस बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो सूत्रों के अनुसार ये सुनने को मिला है कि बिग बॉस सीजन 17 के लिए अभिषेक मलहन फुकरा इंसान को अप्रोच किया गया है। जहाँ की मैं बता दूँ कि एल्विश यादव जो विनर थे बिग बॉस सीजन 2 ओटीटी के, वहीं पे फर्स्ट रनर अप थे अभिषेक मलहन। दोनों में काफी हद तक तगड़ा कंपटीशन हुआ था, क्योंकि दोनों की फैन फॉलोइंग काफी हद तक ज्यादा है। तो जब अभिषेक मलहन से ये बात पूछा गया कि आप बिग बॉस में आ रहे कि नहीं आ रहे, तो फाइनली उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और ये बोली कि ना मेरे कोई दोस्त चाहता है कि मैं बिग बॉस में जाऊं, और ना ही मेरा फैमिली चाहता है कि मैं बिग बॉस में जाऊं, बट मेरा एक शर्त है बिग बॉस में आने का। तो वो शर्त है कि वो चाह रहे कि आसिम रियाज भी आए उनके साथ, और साथ ही में उनके ऐसे तगड़े तगड़े कंटेस्टेंट जो सीजन 13 में दिखाई दिए थे, तभी वो दोबारा बिग बॉस करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। क्योंकि उनका बोलना है कि तगड़ा कॉम्पिटिटर ना हो तो मजा ना आए। हाँ, ये भी बात है कि बिग बॉस सीजन 2 ऑफ ओटीटी में कोई तगड़ा कंटेस्टेंट था ना, एक्सेप्ट मुझे लगता था एल्विश यादव, और थोड़ी बहुत तगड़ी मनीषा भी थी, बाकी सब मुझे एवे ही लगे। सो ये तो आप जान ही लिए कि आसिम रियाज दोबारा बिग बॉस में आने से रहे, और हमें अभिषेक मलहन भी इसके बाद दिखने को मिलेंगे नहीं। सो जो एक्सपेक्टेशन आपका बड़ा था वो थोड़ा लो कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको ये जानकारी कितनी हद तक अच्छी लगी, पिन योर थॉट इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक लिए टाटा बाय बाय।